थोड़ा कंफ्यूज जा गए हैं शायद से हम लोग यहाँ पे। मोनिता पैकिंग होल पैकिंग चलिए से वेरी गुड पैकिंग वाला है दीपाले दीपाले दीपाले। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों, गारो हिल से फ्रॉम तुरा फ्रॉम ये क्या है रिवर साइड रिजॉर्ट से आप लोग को गुड मॉर्निंग अगेन। तो फिर इस साइड में आप लोग देख सकते हैं हर जगह पैकिंग चल रहा है, वहाँ पे एक भैया डोल रहे इधर उधर, फिर सब लोग ने ऑलमोस्ट पैकिंग कर लिया है ना दोस्तों। तो फिर हम लोग भी पैकिंग हम लोग का भी पैकिंग का तैयारी चल रहा है। वैसे मैं धीरे धीरे पैकिंग कर रहा हूँ, अभी वैसे भूख भी लग रहा है तो ब्रेकफास्ट भी करने जाएंगे। तो यहाँ पे एक भैया है हमारे, यहाँ पे हमारे क्लिंटन भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रदर भैया, गुड मॉर्निंग आदा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे तो ब्रेकफास्ट जाएंगे बा? हाँ गुड मॉर्निंग ब्रो, है ना भैया ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे। पैकिंग हो गया तुम्हारा? तुम्हारा तो रेडी हो गया, मेरा तो थोड़ा बचा है, बस थोड़ा घुसाने से हो जाएगा। चल पहले खाना खा के आ जाएगा, ब्रेकफास्ट करके आ जाता। तो दोस्तों पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे, उसके बाद में अपना पैकिंग करके ऑलमोस्ट बाइक में बांध के रेडी कर लेता है ना दोस्तों। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट टाइम है हम लोग का यहाँ पे। यहाँ पे हमारे द बोर्डर राइडर इस साइड से 3 अंडा ले रखे हैं, उसके बाद छोले के साथ। फिर यहाँ पे हमारे भैया वो भी हैं यहाँ पे, उन्होंने 1 अंडा ले रखा है फिर छोले के अंदर, है ना भैया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, उनके बाद इन भैया लोग से अलविदा कह के यहाँ से जाने वाले। तो इस साइड भी हमारे भैया है गरिल्स के, तो नेक्स्ट टाइम भैया लोगों से कहीं पे भी मिल सकते हैं, है ना भैया। सी यू भैया आप लोग को, है ना, टेक केयर भैया आप लोग को, है ना। हम लोग भी अलविदा, ओके थैंक यू भैया, ओके भैया भैया हम लोग जाने वाले अभी, ओके टेक केयर भैया, ओके नाइस टू मीट यू भैया, ओके थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, ओके ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम कहीं पे मिलेंगे और फिर से राइड में। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकलने वाले बक्सा राइडर भैया देख लेना, ओके थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना गुरखा, ये दोस्तों ये नया, वैसे पहले मैंने कभी देखा, सेकंड टाइम है। फिर यहाँ पे हमारे NH51 की क्लब के वो लोग के बाइक्स हैं यहाँ पे। तो फिर इस साइड से निकलने वाला ये हमारे भैया, वो भी यहाँ से मतलब कार में ही जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे सन ऑफ बोर्डलैंड भैया, ये भी पैकिंग कर रहे, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है इनका भी, है ना भैया। होने वाला है, और मतलब हुआ नहीं अभी तक, होने वाला है उनका भी पैकिंग। और यहाँ पे SM भैया हमारे, उनका पैकिंग कहाँ गया, पैकिंग किधर गया आपका? हो गया मेरा। ओ ये भैया का पैकिंग ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो फिर सब लोग का दोस्तों कल रात को आप कल रात मतलब दिन को भी देखा था, देखा होगा आप लोग ने, इस साइड में हर जगह में टेंट था, लेकिन आज खाली हो चुका है दोस्तों टेंट। तो फिर धीरे से निकलने वाले हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे किसी का ग्लव्स गिरा हुआ है, गिर गया भैया का ग्लव्स गिरा हुआ था यहाँ पे। तो फिर ये हमारे चिप भैया, चिप भैया भी रेडी है यहाँ पे। तो चिप भैया हमारे कार से आए थे कल रात को, तो फिर अभी कार से जाने वाले हैं। तो फिर इस साइड में देख सकते हो सब लोग निकल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, पैकिंग हो चुका है सब लोग का। फिर दोस्तों अभी यहाँ इस जगह को गारेज का अलविदा बोलना पड़ेगा। वैसे बहुत एंजॉय किया है ना भैया, बहुत एंजॉय किया मैंने कल रात को, वैसे बोले कल रात को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो भी DJ चल रहा था ना, जो गाना गा, मस्त गाना बजा मतलब कल। तो दोस्तों पूरा एंजॉय किया, फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं पूरा गर्मी से पूरा पसीना से। तो दोस्तों अभी पसीना पोंछ के मैं भी गियर अप हो जाता हूँ, फिर रेडी हो जाता हूँ जाने के लिए, है ना। तब तक कोल्ड स्टार्ट देते थे हम लोग के बाइक को, है ना। इस जगह को मिस करेगा, है ना, मिस करेगा, बहुत मिस करेगा। तो दोस्तों ये SM भैया यहाँ पे देख सकते हो, वो भी अपना वीडियो ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो फिर लास्ट कप मेरा यूज मी में डाल रहा हूँ मैं गारो हिल्स तुरा का। दोस्तों बहुत ही मिस करने वाला हूँ ये प्लेस वैसे में, लेकिन गर्मी भी याद रहेगा दोस्तों मॉर्निंग का। हाँ गौरव मुंडा हल्ले ओ हम लोग की लेडी राइडर सेट है जाने वाली है अभी। माने मेम्बर हिसाब से जो लानाय जाबाय जिनिनि मेम्बर से ही हैज बीन राइडिंग अस लाइक कंटीन्यूअसली 3 इवेंट्स टुगेदर विद अस एंड टुडे
So welcome to Golden Langur family, brother. Okay. Thank you, Adam. Thank you so much. Okay, sir. Now I'm going to wear it. For the first time. Okay. Yeah. Finally, now I'm in Golden Langur, guys. Welcome to Langur family. Patch, patch, dikhao bhai, patch. Yeah. Badhiya hai na, dosto. Yes. Badhiya. This is from Baksha. And we are. It's like a good feeling for us to have him really in our club. Yeah, बहुत ही अच्छा feeling लग रहा है आज. ठीक है. हम लोग का एक और भाई. एक हो गया. मतलब बढ़ गया. एक और बढ़ गया. एक और लंगूर आ गया. एक और लंगूर बढ़िया. चलो. ठीक है. Thank you so much भैया लोग आप लोग. एक रो. Congratulations. Thank you. तो दोस्तों यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी. सारे भैया लोगों को बाय बाय बोल के आ चुके हैं हम लोग. फिर धीरे धीरे तुरा को अलविदा बोल के जाने वाले हैं यहाँ से. वो देखो यहाँ से रास्ता देखो दोस्तों. बाय बाय छोटू. देखो देखो रास्ता रास्ता. यहाँ पे ना पेट्रोल बच जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है. मैं दिखाता हूँ. देखो मैंने अभी अपना स्टार्ट बंद कर रखा है ना, मैं अपना स्टार्ट बंद करके चल रहा हूँ दोस्तों. अपना पेट्रोल बचा रहा हूँ और थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो रहा है ना, क्योंकि मेरा तेल नहीं जल रहा है ना इसलिए. क्या हो गया? ओ ये वहाँ पे लकड़ी गिरा हुआ था, तो फिर भैया ने वो सिग्नल दे दिया था. ये जो रास्ते में लाइन लाइन काला काला देख रहे हो, ये कल रात को यहाँ पे है ना एक स्क्रैम्बलर, हिमालयन स्क्रैम्बलर, तो मतलब उसका क्लच डिस्की चला गया था पूरा. तो फिर कल रात को मैं रस्सी लेके आया था मदद करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे उन लोग को लकीली एक पीस ही था यहाँ पे तूरा में, मतलब रॉयल एनफील्ड के शोरूम में क्लच डिस्क का सेट. अगर वो ना होता तो फिर रस्सी से ही खींचना पड़ता है. वैसे कल रात को मैं वो चीज़ का आप लोग को वीडियो दिखा नहीं पाया ना दोस्तों. हाँ यही एरिया था दोस्तों. वैसे ये देख रहे हो, ये जो गाड़ी जहाँ पे है ना, यहीं पे ख़राब हो गया था उसका गाड़ी. तो फिर कल रात को यहीं पे किया गया था उसका इलाज दोस्तों. और यहाँ पे तेल खाता है, ऊँचा रास्ता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है. जितना नीचे जाने में सेव होता है, उतना ऊपर आने में भी ख़त्म हो रहा है. ऐसा ही हो जाता है ना, सेम इक्वल. तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अभी दोस्तों. तो इस साइड में आप लोग को राइट साइड से जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो यहाँ का क्या था तूरा सांगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था शायद से. स्पोर्ट्स का वो बन रहा है, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है दोस्तों. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कल दिखाया था वैसे आपको, है ना. तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट में जाने वाले हैं. हाँ आप लोगों को पता है, फाइनली वैसे तीन राइड के बाद आज मैं गोल्डन लंगूर में ज्वाइन हो चुका हूँ और मैं फाइनली उनका मेम्बर हूँ. बुलाती है मगर जाने का नहीं. तो दोस्तों हम लोग तूरा से निकल रहे हैं धीरे धीरे. अलविदा तूरा, टेक केयर तूरा. तो दोस्तों आप लोगों को तूरा का ये रास्ता कैसा लगा, और तूरा घुमा रहा हूँ मैं आपको वैसे, है ना. तो तूरा घूम के कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को बताइएगा ज़रा. तो यहाँ से राइट जाना है हम लोग को. हाय 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 हाय
थोड़ा कंफ्यूज जा गए हैं शायद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एनएम संगमा कॉम्प्लेक्स। ओ हाँ, वो आगे वाले भैया एनएम के वो प्रोफेसर है ना, तो शायद से वो यहीं पे रह जाएंगे। तो भैया को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। था लाइट आडा हां ब्रो गामी उठ ना केडा हां और जिंग से बजिंग लाला में। तो दोस्तों हम लोग का रास्ता इस साइड से है, थोड़ा कंफ्यूज आ गए थे हम। थोड़ा कंफ्यूज ही आ गए थे बस, और कुछ नहीं। अभी हम लोग का रास्ता पता चल गया इस साइड से है, तो भैया यहीं पे रह जाएंगे और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। और चाबी ऑन नहीं किया तो स्टार्ट कहाँ से होगा। बाय बाय। हमारे सन ऑफ पोर्टलैंड भाई हम लोग का रास्ता दिखाने वाले हैं। देखो रास्ता, दूरा का रास्ता मुझे भाग गया दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। इधर से किधर से जाने का है? वहाँ ये तो प्लेग्राउंड था, यही था हम लोग का रास्ता। हाय हाय। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ राइड पे आके? हम लोग के आगे थोड़े अलग राइडर्स हैं, शायद से यहीं के हैं, पूरा के राइडर्स हैं आगे में पूरे चल रहे। हम लोग भी उन लोग के साथ ही ज्वाइन हो गए ना। Love this kind of road, दोस्तों। तो ये लोग हम लोग को जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, आज है ना राइडिंग का सफ़र, मतलब मैं भी पहले देखता था कुछ लोग मतलब रॉयल एनफील्ड या फिर बुलेट, मैक्सिमम तो बुलेट ही दिखते थे पहले, है ना, बुलेट और थंडरबर्ड दिखते थे पहले। तो आजकल जब से हिमालयन आ गया है ना, तो तब से हिमालयन दिख रहा है दोस्तों, उसके स्क्रैम्बलर फिर जितने भी है रॉयल इनफील्ड्स के बाइक्स। बट लेकिन दोस्तों जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बच्चों को देखा, तब मुझे फील आया दोस्तों कि मैं भी उन्हीं के तरफ, मतलब दोस्तों पहले जब देखता था ना राइडर्स को कि एक दिन मैं भी इन लोगों से मिलूँगा बोल के, है ना, एक ना एक दिन मैं भी उन लोग से मिलूंगा। लेकिन आज तक वो राइडर्स कौन है मेरे को पता नहीं है, लेकिन उनको देखते हुए, है ना, देख के मतलब ऐसा फील आता था कि उन लोग के जैसे राइड करके उन लोग से मिलूं। मतलब हर जगह, हर डिफरेंस जगह में जाके मतलब मिलूं, है ना दोस्तों, तो जैसे कि पता चले उन लोग का जगह कैसा है, कैसे रहते हैं वो लोग। तो आज जैसे कि तूरा में आया मैं, है ना दोस्तों, तो यूई जैसे कि आया, इनका लाइफस्टाइल पता चला कि कैसे रहते हैं, कैसा खान पान है इन लोग का, सब नॉर्मल है दोस्तों, बढ़िया चलता है इन लोग का। फिर दोस्तों राइडिंग का बोला जाए तो जैसे कि मैंने देख के सीखा था कि मैं भी एक दिन ना राइड करूँगा, लेकिन आज देख सकते हो आज कि मैं आज गोल्डन रंग में घुस चुका हूँ, है ना, फाइनली मैं इन लोग का एक मेंबर हूँ। फिर जब राइडिंग, मतलब ऐसा है जैसे कि पहले आप लोग ने सुना होगा ना, क्या था वो मोबाइल का नाम नोकिया है ना, कनेक्टिंग पीपल्स, वैसा ही है दोस्तों ये भी कि राइडिंग, मतलब राइडिंग कनेक्टिंग पीपल्स, है ना दोस्तों, राइडिंग मतलब पीपल्स को कनेक्ट करते ईच एंड एवरी स्टेट, हर जगह। और बोला जाए तो अगर हम लोग कंट्री भी ईच एंड अलग किसी भी कंट्री में अगर बाइक से राइड करके जा सकते
ये तो फिर हम लोग कंट्री को भी शायद से मतलब कनेक्शन कनेक्ट कर पाते हैं ना दोस्तों। बस राइडिंग का मोटिव ये है मेरे ख्याल में, है ना, कि दूसरे जितने भी लोग हैं या फिर राइडर्स या फिर दूसरे जगह के लोग, उन लोग से मिले, उन लोग से कनेक्टिविटी बढ़ाएं और उन लोग को जाने कि कैसे कैसे रहते हैं वो लोग, कैसा रहन सहन है ना दोस्तों, फिर उन लोग का जगह एक्सप्लोर करना, ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को। तो आज तुरा में उस दिन हम लोग तुरा में आए थे, तो आज तुरा से जा रहे हैं, तो दोस्तों ये फील बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब लेकिन आज अलविदा कहना भी इतना ठीक नहीं लग रहा है, धीरे वैसे भी तो जाना तो पड़ेगा ही है ना दोस्तों। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, छोटी देख रही थी है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा राइडिंग स्टार्ट हुआ पता है, और आज थर्ड राइड के बाद फाइनली मैं मेंबर में एक फाइनली एक मेंबर हो चुका हूँ गोल्डन लंगूर का, है ना दोस्तों। गोल्डन लंगूर में भैया लोग भी बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। और दोस्तों राइडिंग ब्रदरहुड समझते हो, ब्रदरहुड समझने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाओगे तो आप उसी के हालात से मतलब आप ऐसे हो जाओगे, है ना, कि आप थोड़ी कहीं बैठे कहीं कोई भी आ सकता है आपको मदद करने के लिए दोस्तों। हर कोई पूछेगा आपको मदद करने के लिए, भाई कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कुछ मदद करूँ क्या, ऐसे बोल के हर कोई पूछेगा दोस्तों आपको। जिस किसी को भी बाद में राइडर बनना हो या फिर राइड करना हो, यू अपना करियर करने के बाद, है ना दोस्तों। वैसे तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आप सब लोगों को। एक दिन मेरा भी सपना था कि मैं भी राइड करूँ, है ना, ऐसे टाइप में। तो आज देखो मैं भी क्लासिक में राइड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। मतलब रोंगटे खड़े हो रहे मेरे अंदर में लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने गियर्स पहन रखे ना, और हवा चल रहा है तो हवा में कैसे दिखाऊंगा आपको। आई गॉट गोज़ फ्रेंड्स, जब भी वो दिन याद आता ना कि एक दिन मैंने देखा था क्लासिक में दो तीन राइडर्स को जाते हुए, मतलब वो फील, मतलब अभी भी सोच रहा था दोस्तों, अभी भी मेरे को गोज़ बम्स उठ रहे हैं पता है। तो चलो दोस्तों राइड धीरे धीरे दिखाते रहते हैं, राइड का मजा लेते हैं। ओके तो दोस्तों उस दिन मैं जाते हुए तो आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आज अलविदा कहते हुए मिला था आपको, है ना। ये क्या MIT मिटेला मतलब मिलते हैं ना शायद से। टेक केयर तुरा, वैसे तो 18% है लेकिन फिर भी मेरे को मन नहीं कर रहा कि मैं कैमरा बंद करूं क्योंकि आप लोग को मैं अपना राइड दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हम लोग मिले कुछ अलग राइडर से दोस्तों, हम लोग के सामने ही है ये लोग, है ना। तो इसमें सारे KTM भी है, R15 भी है, ये पीछे का ड्यूक है, फिर बीच में एक टू कुछ था क्या पता, हमारे पीछे में R15 एक टू है, ये रहा भाई हम लोग का। तो हम ऐसे भैया को यहाँ से पाइकन होटल है, यहाँ पे 3-4 होटल है, तो यहीं से हम लोग सब राइडर्स मतलब कुछ गुवाहाटी साइड में जाने वाले, कुछ बोंगाव साइड में जाने वाले हैं ना दोस्तों। तो फिर हम भैया को भी यहाँ से बाय बाय बोलने वाले हैं अच्छे से, है ना। चलो भैया नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट राइड में फिर से मिलते हैं ना। ओके जरूर, फिर यहाँ से जाना। हाँ भैया आराम से जाना, ठीक है, अच्छे से जाएंगे, कुछ खा लेते हैं उसके बाद, ठीक है, आप भी खा लेना, फिर आप गुवाहाटी साइड से जाओगे तो, है ना। ओके तो फिर हम लोग थोड़े इस साइड में जाके मतलब खाना खाएंगे, तो फिर आगे निकलते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। तो सारे राइडर्स भी यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ पे। तो मम जाइंसी थांगलांग सर ना। तो दोस्तों भैया लोग को यहाँ पे बाय बाय बोल दिया है, मैं यहाँ से राइट साइड जाऊँगा, फिर भैया लोग हमारे लेफ्ट साइड जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग का जगह अलग होने वाला है यहाँ से, है ना भैया। तो अभी घर पे जाके भैया लोग को जैसे ही पहुँचूंगा मैं कॉल कर दूंगा भैया लोग को, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ ड्राइव सेफली, सी यू सून दोस्तों।